हे गाइस, दिस इज स्टैंडअप फुटबॉलर, वेलकम बैक टू अ चैनल। देखिए, आपके जो भी डाउट हैं, आपके जो भी फुटबॉल रिलेटेड डाउट है, देखिए वो कमेंट सेक्शन में सॉल्व नहीं हो सकते, मैं जानता हूँ। तो इसीलिए मैंने एक कम्युनिटी डाली हुई है, वहाँ जाके आप अपने कमेंट, अपने क्वेश्चंस को, अपने डाउट को, फुटबॉल रिलेटेड डाउट को वहाँ पे जाके आप कमेंट करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सारे क्वेश्चन को कवर करूंगा, उनके सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगा। तो एक वीडियो बनाऊंगा आपके डाउट से रिलेटेड, तो वहाँ जाके आप लोग कमेंट करिएगा, कम्युनिटी सेक्शन में मैंने डाला हुआ, तो आज रात तक कर दीजिएगा। इसके अलावा वहाँ नहीं तो इस वीडियो के नीचे भी आप लोग अपने कमेंट, अपने डाउट लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर सॉल्व करूंगा, डेफिनेटली सॉल्व करूंगा। तो जल्दी जल्दी अपने डाउट्स को लिखिएगा, क्योंकि कमेंट में वो सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो आप लोग के लिए एक वीडियो ही बनाना पड़ रहा है मुझे। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आपके आसपास कोई भी फुटबॉल एकेडमी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए, कई लोग होते हैं जो बहुत छोटे शहर से होते हैं, बहुत छोटी जगह से होते हैं, वहाँ फुटबॉल उतना पॉपुलर नहीं होता है, तो पॉपुलरिटी की वजह से, लेस पॉपुलरिटी की वजह से वहाँ फुटबॉल एकेडमी भी नहीं होती है, फुटबॉल का नामो निशान नहीं होता है। तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। जी हाँ, आपको बाहर जाना होगा। अगर आपके शहर में, आपके आसपास कोई भी फुटबॉल एकेडमी नहीं है, तो आपको बाहर जाना होगा, देखना होगा कि कहाँ पे फुटबॉल एकेडमी, कहाँ पे जाके आप फुटबॉल सीख सकते हैं। आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा, क्योंकि जब आप छोड़ेंगे, जब बड़े शहर में आगे जाएंगे, तो आपको फुटबॉल में कंपटीशन का पता चलेगा। जब कंपटीशन होता है तब इम्प्रूवमेंट होता है, आपने ये सुना होगा। तो कंपटीशन होगा तो और ज़्यादा आप में इम्प्रूवमेंट होगा, अगर आप बाहर निकलेंगे, कई और शहर में जाएंगे, अच्छी फुटबॉल एकेडमी को ज्वाइन करेंगे। मैं खुद आप लोग को बताऊं कि 300-400 किलोमीटर दूर रहता हूं अपने घर से। जी हाँ, 300-400 किलोमीटर दूर रहता हूं फुटबॉल के लिए। तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, छोड़ना होगा, आपको अपना जो रिलैक्स है उसको छोड़ना होगा, अपनी जो कंफर्ट विल्टी है जो अपन को मिलता है वो छोड़ना होगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। देखिए, आप लियोनल मेसी का एग्जांपल लीजिए। देखिए, लियोनल मेसी का आपने सुना होगा, उन्होंने 13 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया, घर क्या, देश ही छोड़ दिया था। अर्जेंटीना से वो स्पेन चले गए थे जब बार्सिलोना उन्हें ले गई थी। तो अगर उन्हें सेक्रीफाइस नहीं किया होता तो आज को या वो इतने बड़े प्लेयर बनते नहीं। उन्होंने सेक्रीफाइस किया था अपने आप को, अपना घर, अपना कंफर्ट जोन छोड़ा था, क्योंकि जो सक्सेस होती है ना वो सेक्रीफाइस, हार्डवर्क, डेडिकेशन मांगते हैं। तो उन्होंने ये सब किया, तो वो आज इतने अच्छे सुपरस्टार फुटबॉल प्लेयर बने हुए हैं। तो आप लोग को भी यही करना होगा, आपको सेक्रीफाइस करना होगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। देखिए, मैंने कई सारी एकेडमीज पे वीडियो बनाए जो रेजिडेंशियल है, मतलब आपके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, स्टडी, हर चीज़ की व्यवस्था आपको देगी। मैंने कई सारी, जैसे रिलायंस एकेडमी, टाटा फुटबॉल एकेडमी और बेंगलुरु एकेडमी, सुदेवा एफसी, कई सारी एकेडमीज़ के मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। वहाँ जाके आप रह सकते हैं, वहाँ फुटबॉल सीख सकते हैं, अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। तो आपको बाहर निकलना होगा। जी हाँ, मैं बार बार कहूँगा कि बाहर ही जाना होगा, तभी आपको कॉम्पिटिशन का फुटबॉल में क्या है, क्या फील्ड है, तब पता चलेगा। अच्छा, कई लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसे होते हैं, वो लोग बाहर नहीं निकल पाते, तो वो लोग क्या करें? देखिए, अगर आप लोग नहीं निकल पाते, फुटबॉल एकेडमी ज्वाइन नहीं कर पाते, तो आपको अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस करनी होगी। इंडिविजुअल कैसे? खुद की जाके। देखिए, यूट्यूब में कई सारे कंटेंट है, बहुत यूट्यूब चैनल है जो फुटबॉल सिखाते हैं आपको, एक एक चीज़ पे, फुटबॉल की ड्रिल्स, हर चीज़ सिखाते हैं, एक एक पोजिशन में हर चीज़ सिखाते हैं। तो वहाँ से जाके आप सीख सकते हैं और खुद जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी हाँ, आप देखिए, ये मत कहिए कि मेरे आसपास ग्राउंड नहीं है। देखिए, ग्राउंड तो लगभग हो जाता है, अरेंज कर लीजिए, कहीं ना कहीं तो ग्राउंड होगा ही होगा। तो आप लोग को सीखना होगा, तो इंडिविजुअल भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। उसके अलावा वे ट्रायल तो निकलते रहते, तो ट्रायल दीजिए आप लोग। मैं ट्रायल के वीडियो बनाता ही रहता हूँ, बनाता ही रहता हूँ। तो किसी भी ट्रायल में जाइए तो आप निकल सकते हैं, अगर अच्छी प्रैक्टिस रहेगी तो। आप लोग ये चीज़ फॉलो कीजिएगा, ऐसा नहीं है अगर बने तो आप लोग एक फुटबॉल एकेडमी ज्वाइन करिएगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिएगा, तभी आपको एक पता चलेगा कॉम्पिटिशन है क्या आखिर में। तो ऑलराइट गाइस, यही था वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने डाउट कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आंसर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ बताइएगा, तो मैं आंसर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू गाइज़।